पकोड़े के मुद्दे पर देश में भले ही बहस थम गई हो, लेकिन प्रदेश की सियासी कड़ाही में पकोड़े अब भी उबाल मार रहे हैं। उज्जैन में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वानों ने पकोड़े तलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने टावर चौक पर पकोड़े तलकर कैंडल मार्च किया और प्रदर्शन किया। सालों से महाविद्यालयों में अध्यापन कराने वाले हम अतिथि विद्वानशील सरकार को हमारी बात ये साइड में चले मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान महासंघ इकाई उज्जैन संभाग द्वारा नियमितीकरण और प्रशासन की नीतियों के खिलाफ विरोध किया गया। प्रदर्शन के तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, राजपत्रित अधिकारी संघ और पूर्व शिक्षक शामिल हुए। इस आंदोलन को पेंशनर्स एसोसिएशन व आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थन दिया गया। देखिए, हम लोग पिछले 25 सालों से लगातार शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान हैं और हम लगातार अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश सरकार के पास बार बार जाकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी मांगे मानी नहीं गई। हमने कुछ दिनों पूर्व नीलम पार्क में हमारी महिला साथी ने मुंडन तक करवा लिया, लेकिन इस प्रदेश सरकार के कानों में अब तक जू नहीं रहेंगी। ये सरकार सोचे, क्योंकि आज सभी बुद्धिजीवी वर्ग का हमें समर्थन मिला है, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी संघ, पेंशनर संघ, कम से कम इस सरकार को सोचना चाहिए कि इन सभी संगठनों में हमारे माता पिता सब जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को में वोट दिया है आपको, और वो आज हम आपसे अपनी मांग मांग रहे हैं। आज हमने इस सभा में कैंडल मार्च जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे हम। शायद प्रदेश सरकार इस उजाले में कम से कम हमारी दयनीय स्थिति को देखे। दूसरा, हमने पकोड़े तल के उन्हें बताया है कि क्या अब हम पढ़ाई छोड़ के कढ़ाई पकड़ लें, ये सरकार को अब सोचना है। आगे हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, भोपाल से सीधे दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहां हम ये सारा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारी अतिथि विद्वानों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन की यही स्थिति रही तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।